अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू समराज लाइव चैनल। होपफुली फ्रेंड्स आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक और टी केक की रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ। इसके अंदर मैं बटर ऐड करूँगी, बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का एक फ्लेवर आ जाता है केक के अंदर। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो एक और टी केक बनाने के लिए मैंने 2 अदद यहाँ पर एग लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं 1/2 कप इसके अंदर शुगर का ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद 1 टीस्पून वनीला एसेंस का, और 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर है, ये आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर। और उसके बाद 1/2 कप मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, कुकिंग ऑयल। और अब मैं इसको करती हूँ ब्लेंड। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैंने बीटर को 2 से 3 मिनट चलाया और सब चीज़ें हो चुकी हैं मिक्स। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन में मैंने 1/2 कप दूध का लिया है, जो रूम टेम्परेचर पे जो बाहर पड़ा होता है, फ्रिज का दूध नहीं यूज़ करना। तो उसके बाद मैंने बटर लिया है 50 ग्राम, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब थोड़ा सा इसको मैं गर्म करती हूँ। बटर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल्ट हो रहा है। जैसे ही मेल्ट होता है तो हम इसको ऐड करते हैं, जो मैंने मिक्सचर रेडी किया है केक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बटर मैंने दूध के अंदर ऐड किया था वो मेल्ट हो चुका है, और अब इसको मैं डाल रही हूँ, गरम गरम ही डालूँगी। और इसको मैं थोड़ी देर करती हूँ बीट। अब मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया, इसको मैंने अच्छे से छान लिया। अब ये जो मैंने मिक्सचर रेडी किया है ये मैं इसके अंदर कर रही हूँ ऐड, और इसको अच्छी तरह करती हूँ मिक्स। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्रेंड यहाँ पे मैंने 2 पिंच इसके अंदर फूड कलर, जो कि आम जर्दा कलर होता है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो अब मैं करती हूँ इसको अच्छे से मिक्स। अब एक बाउल में मैंने बटर पेपर कर लिया है सेट, और अब मैं जो मैंने ये मिक्सचर रेडी किया है केक का, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। बाउल को करूँगी मैं अच्छे से साफ़, और इसको मैं ओवन में लगाती हूँ 4 मिनट का टाइम। तो मैं आपको दिखाती हूँ, केक को मैं अब रख रही हूँ ओवन में। ओवन में मैंने केक रख दिया है, तो अब मैं इसका टाइम सेट करूँगी 1, 2, 3 एंड 4 स्टार्ट। जैसे ये रेडी होता है मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि केक हमारा रेडी हो चुका है। इसको मैंने 4 मिनट बेक किया और ये माशाल्लाह डन हो गया। मैं अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसके पीसेस करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केक कितना प्यारा बना है। मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं ताकि खाने में आसानी हो बच्चों को। तो ये कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही टेस्टी बना, और इसकी इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही है क्योंकि मैंने इसके अंदर बटर ऐड किया है, और बटर से केक का फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी को देख के ट्राई करना, और बताना अपनी राय से आगाह करना कि आपका केक किस तरह का बनना है। इसी के साथ समराज लाइफ चैनल को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।